कोलकाता ने दिल्ली को हरा दिया, दिल्ली को, उस दिल्ली को जो लगातार दो मुकाबले जीत कर आई थी। और देखिए कोलकाता जो मुकाबले खेल रही है ना, मुझे लग रहा है कि कोलकाता एक बहुत बड़ी दावेदार है इस बार आईपीएल के प्ले ऑफ के पहुंचने के लिए, क्योंकि 12 पॉइंट्स पर पहुंच चुकी है। और ये जो जरूर आप ये कहेंगे कि चेस करने में अच्छी नहीं है ये टीम, लेकिन आपने देखा ना किस तरीके चेस किया टीम ने। और देखिए पहले बल्लेबाजी करते हुए पिछला मुकाबला जरूर हार गए, 260 रन चेस करवा लिए, मैं मानता हूँ चीज को, लेकिन ये केकेआर में दम है, इसके क्या दम कम है कि देखिए अर्षित राणा जो कि इंडिया का युवा बॉलर है, युवा बॉलर है, उसके अलावा वैभव अरोड़ा युवा गेंदबाज है, उसके अलावा बात करें सूर्य नरेन, वरुण चक्रवर्ती और मिचेल स्टार्क जरूर पिट रहे हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस काम जरूर आएगा। आप देखिए कभी ना कभी काम आएगा, प्ले ऑफ में आएगा काम या फिर कुछ भी आएगा। तो ये टीम अच्छा कर रही है, ये टीम, इस टीम ने क्या किया, इस टीम ने दिल्ली को रोक लिया 153 पे। जब आप दिल्ली जैसी टीम को 153 पे रोक देंगे तो उसके बाद आपको पता है कि जब 153 का लक्ष्य आपको मिला तो उसके बाद में फिल सॉल्ट जो कि अलग ही लेवल में चल रहे हैं इस साल, और ये आप सोचिए ये नीलामी में बिके नहीं थे, ऑक्शन में इनको अनसोल्ड किया गया था, इसे किसी ने लिया नहीं था इनको, लेकिन जब जेसन लॉय रिप्लेसमेंट के तौर पर आए उसके बाद में यहाँ पे ये आए हैं फिर चॉल्स। तो आप सोचिए इस खिलाड़ी को सोचिए किस तरीके की इसकी किस्मत चमकी है कि यहाँ पे कोई ले नहीं जाता, पहले आप लिया तो ऐसा लिया कि भाई छा गया बिल्कुल। तो इतना मैच का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक देखते हैं मेरे चैनल, नमस्कार।